मुझे तुमसे कुछ कहना है। हे, यू लुक डिफरेंट, व्हाट हैपेंड, टेल मी। रियूनियन में जो हुआ तुम जानती हो। या, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मेड अप माय माइंड। यूके में हमारे सारे ऑपरेशंस शट डाउन करके इंडिया में स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। ऐसा करने से हजारों अनएम्प्लॉयड क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स को हम लोग नौकरी दिलवा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? सच अ नोबल थॉट विशु। आई एम विद यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। वैसे इसमें थोड़ा मेरा भी स्वार्थ है। हमारा बच्चा इंडियन सिटीजन बनकर पैदा होगा। सभी से बात करके इसे सीएम सर के पास लेकर जाना ही सही रहेगा। ओके, विल टॉक। नमस्ते, नमस्ते। हेलो लंदन बिजनेसमैन सर, सॉरी फॉर द डिले। ये कौन है? ये सब मेरे साथी हैं सर। नमस्ते सर। सो फाइनली यू केम टू इंडिया टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मैंने भी तो यही कहा था कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए, पर आपने मना कर दिया था। या, आई हैड टू चेंज माय माइंड। सो चेंजेस आर गुड। आप अपने पैसे यहां इन्वेस्ट कीजिए, यहां सब लोग डेवलप होंगे। हेलो, मैं बस अभी दिल्ली से लैंड हुआ हूँ। रास्ते में मुझे एक छोटा सा काम है, उसे फिनिश करके पार्टी ऑफिस 10:15 बजे तक पहुँचता हूँ। ओके? और क्या चल रहा है? अपनी विश्वनाथ इंडस्ट्रीज कैसी चल रही है? सच कहूँ तो बीच में है वो लोग। आर यू श्योर? ऑलरेडी 600 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लोग। सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। इसका मतलब है मेरी बात करने का वक्त आ गया है। हाँ सर। ओके, मीटिंग फिक्स करो। श्योर। Mr. Vishwanath, this might not be the right time. I have a proposal for you. आउटस्कर्ट में अपनी एक सीमेंट फैक्ट्री है ना, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा ही सीमेंट इस्तेमाल करना होगा। उसके एक्सपेंशन के लिए आई वुड लाइक यू टू टेक सम इन्वेस्टमेंट। विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, आई थिंक अबाउट इट। हाँ, सोचिए, थोड़ा टाइम भी ले लीजिए। कम विद द पॉजिटिव आउटकम, पर नो मत कहना। जे विल बी इन टच विद यू। सर को कॉल करके तंग नहीं करना है। अरे okay? नहीं सर। फैक्ट्री में कुछ 100 करोड़ इन्वेस्ट करने, तो तुम सब मिलकर उस सीमेंट फैक्ट्री देख कर उसके हिसाब से हम कॉल लेंगे।
शायद यही होगा। चाहिए? सारथी सर ने भेजा है हमको। सारथी साहब ने भेजा है आपको? हाँ। आइए सर, चलो रे देखते हैं। आइए साहब, आप सब यहाँ आए हैं, मैं साहब को बता देता हूँ। जाइए। ये क्या, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं, चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। साहब, फैक्ट्री देखने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं। लगता हम रॉन्ग एड्रेस पे आ गए हैं यार। यार ये रही सीमेंट फैक्ट्री, देखने में तो सूटकेस कंपनी जैसी लग रही है। अरे उसने सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बताया था। अरे सूटकेस कंपनी का मतलब सूटकेस बनाना या हैंडबैग बनाना नहीं होता। अरे वो तो टीवी में दिखाते हैं ना। हा? और पेपर में भी देखा होगा। हा? एक डमी कंपनी, दिखावे की कंपनी, सूटकेस कंपनी, ये सारी कंपनीज फिजिकल में नहीं होती। हा? सिर्फ पेपर्स में ही होती है। तुम्हें पता है क्या, ये बड़े लोग पैसों का घपला करके कहाँ पे लगाते हैं, ऐसी कंपनियों को देते रहते हैं। ए, वहां कोई आ रहा है, देख। ये जाइए, इससे जाके बात करते हैं। हंड्रेड करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए आप हमारी नाक में दम कर रहे थे, इस फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री को क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन यहाँ फैक्ट्री है कहाँ पर? ये फर्स्ट यूनिट है और वहाँ सेकंड यूनिट है, और वो जो बाजू में है वो है मेन ब्लॉक। तुम्हारे जैसे 1000 से 1500 लोगों को बिना टेंशन के पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। हाँ सॉरी, ऐसा है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा बॉस। मतलब वार्निंग दे रहे हो क्या हमें? इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ तो वार्निंग क्यों समझ रहे? वही तो, यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है, उनकी बात मानोगे जिंदगी आराम से चलेगी। ये बात अपने दोस्त को भी समझा देना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, ये बोल दूंगा। Hey London businessman, what a surprise! Stop putting pressure on me. What happened, Vishwanath? I have a vision, और मैं उस vision के हिसाब से invest करने आया हूँ, and you know that. हम सबका vision एक ही तो है ना, साथ मिलकर काम करना? No, not at all. आप और आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही हमारे देश की जनता धोखा खा रही है। आपको सिर्फ पैसे कमाने का लालच है, लेकिन मैं यहां हजारों ग्रेजुएट्स को नौकरी दिलवाने आया हूं, जो असली में नहीं है, बस पेपर पे हैं। ऐसी सो कॉल्ड सूटकेस कंपनीज में मैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तुम यहां तक आए हो? यह आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन सर ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। एंड प्लीज डोंट इंटरफेयर। तो मेरी बात भी सुनते जाओ, अगर तुम्हारे कदम अच्छी तरह आगे बढ़ने चाहिए तो हमारी विश भी पूरी होनी चाहिए, वरना तुम्हारा यह कदम बीच में ही रुक जाएगा। ये इतने सारे नोटिस कैसे यार? ये फोर्थ नोटिस है, आप लोग अभी के अभी काम रोक दीजिए वरना हम सीज कर देंगे। सर अभी बिजी हैं, आप नहीं मिल सकते। मैं इंतजार करता हूं। ठीक है। हेलो सर, बुला रहे हैं तुम्हें। नमस्ते सर। देखो मिस्टर विश्वनाथ, तुम मेरे या मेरे घर के आसपास चक्कर लगाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है सर, बिजनेस समिट में आपने क्या कहा था, और ये सारे नोटिस देखिए, आधा काम हो चुका है सर। अगर आप काम रुक गया तो मेरा विजन भी ठप हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी विश्वनाथ मदद कर... मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किया है। सर ऐसा नहीं है सर, पर ये नोटिस अगर आप वापस ले लेंगे तो मैं। हाँ आ गया, आ गया है सारथी। जो तुमने कहा था वो मैंने कह दिया है, हमारे हाथ में क्या है, जो सीनियर्स कहते हैं वही हमें करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? ओके ओके, हाँ ठीक है।
अरे शालिनी विशु आर यू ओके? हाँ मुझे कॉल आ गया था, पर तुम क्यों बाहर आई? मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। हेलो सर, मेरा नाम विश्वनाथ रामचंद्र है। एक्चुअली कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ऐसा है क्या, वैसे किस काम से आए हो? दरअसल मैं लंदन से हमारे देश कुछ इंडस्ट्रीज बनाने आया था जिससे यहाँ रोजगार पैदा हो सके, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले कुछ लोग वो मुझसे जो मांग रहे हैं वो मैं नहीं दे सका, तो मेरी इंडस्ट्री बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दीज आर द वेरियस नोटिसेस व्हिच दे हैव सेंट मी विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। इससे काम पे असर पड़ रहा है इसीलिए आपसे बात करने आ गया। दिखाना मुझे, अगर ये सब देखकर आप कुछ एक्शन लेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। 1991 के सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी गाइडलाइंस हमने फॉलो किए हैं सर। ओके, तुमने मुझे बता दिया ना, अब तुम जाओ, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। किसी को अपनी फेक कंपनी पर इन्वेस्ट करवाने से पहले उसका लेवल क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये मालूम करने की जरूरत नहीं है। हमारी वजह से जिस किसी को भी नुकसान हुआ है वो उन सभी को हमारे अगेंस्ट खड़ा कर देगा। पता है मुझ पर लोगों का जो विश्वास है इस वजह से वो मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया। एंड नो डाउट ही इज द मैन टू फाइट फॉर हिज राइट। वो हमारे स्टेट में ना रहने पाए। ओके, आई विल क्लोज द इशू सर। जो समझ में आए वो करो। क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे वो देखो, वो आ गया, उसे मारो, उसे मारो, जाओ। वहाँ पर बहुत भीड़ है, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, पहले चल यहाँ से भागते हैं। सबकी उम्मीदों पर उन लोगों ने पानी फेर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना गुड से, हमें आदत हो गई इन चीजों की, हमारी जिंदगी बस ऐसी ही है। हमारे लिए अच्छा करने के लिए सोचकर तुम यहाँ बीच में अटक गए यार, हमें बहुत दुख हो रहा है। गुड से, हम जैसे लोगों के बारे में सोचकर तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारी बिरादरी में से ही तुमने एक मुकाम हासिल कर लिया, ये सोचकर गर्व कर लेंगे। तुम जाओ यार, वापस लंदन चले जाओ। मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए और तेरे लिए लंदन से सब बंद करके नहीं आया हूं। उस दिन रियूनियन में जो हुआ उसके बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई है, लाखों ग्रेजुएट्स की चीखें सुनाई देती है। इसीलिए हमारे देश के हजारों ग्रेजुएट्स को नौकरी दिलवाने के लिए लंदन के ऑपरेशंस बंद करके मैं यहां पर आया था, लेकिन यहां आकर पता चला हमारी कई बड़ी इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस को एमओयूज और जीओस जैसे फालतू रीजन की वजह से सरकार ने अटका कर रखा है। वो ऐसा ना करते तो लाखों लोगों को नौकरियां मिल पाती। ठीक करूंगा, सबको ठीक करूंगा। ये तू क्या कह रहा है, सीएम से बात की है ना तूने? उनकी हिम्मत ही सीएम है, साइकिल पे बैठ के घी के डब्बे बेचा करता था, अभी करोड़ों रुपए कमा रहा है, कैसे? तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे? भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियंस ने अपनी जात दिखाई, टेक्नोलॉजी के मास्टर हम इन्हें इनकी औकात दिखाएंगे। पता करेंगे इन्हें सरकार से कितना पैसा मिला, इंटरनेशनल बैंक से कितना लोन उठाया, इन्होंने खर्चा कितना किया और सूटकेस कंपनी से कितना लूटा है। इनकी एक एक पाई का हिसाब पब्लिक को बताएंगे। चलो
Yes. What? अपने सिस्टम्स हैक हो गए हैं। किस आईपी एड्रेस से हैक हुए हैं पता लगाओ। Track them immediately. हमारे सारे सिस्टम हैक हो गए हैं सर। हमारे डेटा चोरी हो रहे हैं। हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं सर। Guys, हैक करने वालों का आईपी एड्रेस ट्रैक किया? No sir, we are trying. Come on, track them, track them. Bounce back the IP and reverse hack them. मुझे इंटेलिजेंस से हाँ बोलिए। उसने गवर्नमेंट के साइट्स को हैक करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में आ गई तो हमारी सरकार गिर जाएगी। उनकी सारी कुंडली पेन ड्राइव में है। इसके जरिए तू मिल सकता है। Got it. Thank you, यार. Thank you so much. चलो विशु, टेक केयर। इतने सेंसिटिव डेटा के साथ हम गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, ये हमारे कुछ काम आएगा? इस करप्ट सिस्टम में कोई ना कोई तो अच्छा इंसान होगा, बस उसी विश्वास के साथ जाएंगे। फेथ, 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 फेथ। Yeah.
राघव, से कहते हुए मुझे बचता हुआ नहीं हो रहा है। मैं तुझे बचा लूंगा, आखिर टूटना सिर्फ एक बार। कुछ मत बोल सका, से कांप रहे हो तुम? ये लो, ओढ़ लो इसे। अच्छा भैया, इस घर में पुलिस क्यों आई है? दो लोग चोरी करने के लिए उस घर में घुसे थे। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेर लिया था, उन्हें अंदर ही रोक दिया था, और वो दोनों वहां से भाग नहीं पा रहे थे, इसलिए उस घर में रहने वाली उस औरत का गला काट के मार दिया। बेचारी, वो औरत पेट से थी, आठवां महीना चल रहा था उसका, वो बच्चा कितना तड़प कर मरा होगा। हमारा बेबी इंडियन सिटीजन बनकर पैदा होगा,